आपने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जब आप पानी से भरे बोतल को फ्रीजिंग करते हैं तो कुछ देर बाद बोतल के बाहरी लेयर पर ड्रॉप बढ़ने लगता है। तो आखिर ये ड्रॉप आते कहाँ से हैं? जबकि बोतल का ढक्कन बंद रहता है। बड़ी गजब की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि बोतल के चारों ओर की हवा में पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो लगभग एक अदृश्य धुंध की तरह होते हैं। और जैसे ही यह हवा की पानी की बोतल ठंडी लेयर को छूती है वह भी ठंडी हो जाती है। लेकिन एक बार जब हवा ठंडी हो जाती है तो यह पानी के छोटे कणों को रोक नहीं पाती है, इसलिए बोतल के बाहरी लेयर पर हमें छोटे छोटे से ड्रॉप दिखाई देते हैं।